हेलो दोस्तों, मेरा नाम नासर, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि आपको जो व्हाट्सएप का डेटाबेस है वो डिलीट कैसे करें। उससे होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। उससे क्या होता है, आपका जो आपके मोबाइल की जो इंटरनल होती है वो पूरी तरह से भर जाती है और आपका मोबाइल बहुत जाम चलने लगता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। तो उसको आपको कम से कम 10 दिन में, 15 दिन में डिलीट मारते रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपकी जो इंटरनल होती है वो थोड़ी से फ्री हो जाती है और आपका मोबाइल फ्री चलने में उसको मदद होती है मोबाइल को। तो और ये जो डेटाबेस है वो डेली का क्रिएट होते जाता है, 24 आवर में उसकी फाइलें बहुत सारी बनते जाती है, तो आपको उसको डिलीट करना जरूरी है। तो ये बात ध्यान रख, तो इसकी जो फाइल बनती है, फाइल मैनेजर में बनती है, और भी इंटरनल मेमोरी में इसके जो स्टोरेज है वो होता है। तो चलिए चलिए हम अभी देखेंगे कि इंटरनल में कहाँ आपको वो फाइल मिलेगी और आप वहां से डिलीट कर सकते हो। तो चलिए, मैं चलता हूँ मेरे फाइल मैनेजर में और मैं जाऊँगा मेरे इंटरनल में, ठीक है। इंटरनल में जाने के बाद में, और यहाँ पे मैं देखूंगा कि व्हाट्सएप का जो फोल्डर है वो कहाँ पे है। तो व्हाट्सएप का फोल्डर आपको सबसे नीचे मिल जाएगा, ये देखिए, ये मेरे व्हाट्सएप का फोल्डर है। तो ठीक है, ये मेरे व्हाट्सएप का फोल्डर है, मेरे इसमें दो व्हाट्सएप है, तो मैं दोनों भी इसके 10 दिन में, 15 दिन में डिलीट मारते जाता हूँ। तो भी ये जो इसके अंदर जो फाइल है, ये है डेटाबेस, और इसके अंदर कुछ मेरे काम की फाइल नहीं होती है, बाकी सब डेटा होता है जो कि मेरे बिल्कुल काम का नहीं है। तो अभी हम इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये कितने MB का है, तो इसके हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरा 253 MB का मेरा डेटा है ये, वो जो कि मेरे कोई काम का नहीं है। तो हम अभी इसके अंदर जाके देखेंगे क्या है करके। देखिए, ये कुछ नहीं है, मेरे काम का बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करते जाता हूँ 10 दिन में, 15 दिन में। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है वो थोड़ी मेमोरी खाली करने का और अपने मोबाइल को फ्री अप करने का। तो इसको मैं डिलीट मार दूंगा। और जो मेरे ये है, इसमें है देखिए, अब ये जो मेरा व्हाट्सअप है, बिजनेस व्हाट्सअप, इसमें भी कुछ ना कुछ मेरा डेटा होगा ही। तो चलिए हम अभी इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे कितनी है। तो ये अभी 209, आप देख सकते हैं, इसका भी अभी दोनों मिला के देख सकते हैं कि मेरे अभी 450 MB तुरंत खाली हो गई है। तो फायदा ये है दोस्तों, और आपको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए अभी इसको भी डिलीट मार देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा तरीका है इसको डिलीट मारने का, इससे क्या होता है, जो आपकी मेमोरी है वो थोड़ी फ्री अप हो जाती है, थोड़ा आपका मोबाइल अच्छा चलने में मदद हो जाती है और आपकी इंटरनल भी खाली हो जाती है और आप उसमें और भी कुछ स्टोरेज कर सकते हो। तो आपको ये हमेशा करना है, 10 दिन में, 15 दिन में, बस आपको ये बस ध्यान होना चाहिए कि आपको ये भी करना है। एक एक प्रकार का इसको नॉलेज समझ सकते हैं, अगर आप मोबाइल यूजर हैं और आप, और आज के डेट में सभी सभी के पास में मोबाइल है, सभी मोबाइल यूज करते हैं, और ये मुझे पक्का पता है। और आज ये वीडियो देखने के बाद में, आज जो भी पहली बार करेंगे तो देखना उनका डेटा 500 MB के ऊपर ही होगा, ये कम से कम किसी का 1 GB होगा, किसी का 1.5 GB होगा, ऐसा ही होगा। और मेरे ख्याल से वो कोई काम का डेटा नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आज की जो जानकारी है, आज का जो ये वीडियो, और किसी को शायद पता भी होगा, किसी को नहीं पता होगा। तो आई होप जिसको पता नहीं था उनके उनके लिए वीडियो अच्छा हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इसी तरह से मुझे फॉलो करें, मेरे साथ बने रहें, ऐसे इसी तरह के नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।